नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के बुक टू के चैप्टर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। चैप्टर 9 साक्षक और इतिवृत्त मुगल दरबार के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड सर्च के फॉर्म में इस खेल को हम खेलेंगे और इन प्रश्नों को सीखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसका नाम है डॉक्टर अजय झा क्लासेस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देखिए और उस लिंक की मदद से उस ग्रुप से जुड़ जाइए। तो हमारे वीडियो के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स उस ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएंगी, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खेल और सीखते हैं नए प्रश्न। आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द मुगल कैपिटल ड्यूरिंग बाबर्स रूल। बाबर के शासन के दौरान मुगल राजधानी का नाम बताइए। आपको पता है कि बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी और उन्होंने किस शहर को अपना कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था, यह आपको बताना है। और मैं आपको एक क्लू देता हूं कि वह शहर 3 लेटर को मिलकर बना हुआ है जो आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको ढूंढना है उस शहर का नाम। चलिए मैं आपको बताता हूं, यह शहर है आगरा। ये आपको मिल गया। तो बाबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में तो उन्होंने आगरा को अपना राजधानी बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु रीइंपोज्ड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। मुगल काल के दौरान किसने गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया। इसका मतलब किसी शासक ने पहले गैर मुस्लिम जनता पर लगने वाले जिजिया कर को हटा दिया था, लेकिन उसके बाद एक शासक ने इसे पुनः लगा दिया। तो उस शासक का नाम क्या है ये आपको बताना है जो आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा। कोशिश करके देखें। चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं और सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर फिर से लगा दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, दिस लिटरली मींस सबमिशन। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मनिवेदन। तो आपको यह बताना है कि किस अर्थ का, किस शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मनिवेदन है। चलिए ढूंढते हैं, यह रहा इसका उत्तर, तस्लीम। तस्लीम शब्द का शाब्दिक अर्थ सबमिशन या आत्मनिवेदन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which word is used to refer to the domestic world of the Mughals? मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी कि मुगलों का जो अपना शाही परिवार होता था उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, और ये आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है। चलिए
पहले आप कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं, और सही उत्तर है हरम, यानी कि मुगलों की घरेलू दुनिया को हरम कहा जाता था, जिसमें उनके परिवार के महिलाएं रहती थीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्रेडिंग द कल्चरल फेम ऑफ द सफाविद कोर्ट फार एंड वाइड। उन्होंने सफावी दरबार के सांस्कृतिक ख्याति को दूर दूर तक फैलाने में योगदान किया। तो वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सफावी दरबार के सांस्कृतिक ख्याति को दूर दूर तक फैलाया? और उनके उत्तर में आप देखेंगे कि उस नाम में 4 लेटर है। सफावी कोर्ट ईरान के शासक के दरबार को कहते थे, और जिस व्यक्ति का नाम हम आप ढूंढ रहे हैं वह एक चित्रकार या पेंटर थे। तो चलिए कौन थे वो, उनका नाम ढूंढते हैं। ये नाम था उनका विहजाद। विहजाद ईरान से भारत आए थे और उन्होंने सफावी दरबार की सांस्कृतिक ख्याति को अपने पेंटिंग के माध्यम से दूर दूर तक फैलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी बुक्स। अकबरनामा को कितने जिल्दों में बांटा गया है? और इसका उत्तर है 3। 3 जिल्दों में इसे बांटा गया है, जिसमें पहला जो 2 भाग है वह इतिहास है, और तीसरा जो हिस्सा है वह अबुल फजल का लिखा हुआ आईने अकबरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच टैक्स वॉज एबोलिस्ड इन 1564 बाई अकबर। अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया था? अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि किसने गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगा दिया था, और उसका उत्तर हमने देखा था औरंगजेब। अब है कि उस टैक्स का क्या नाम था जिसको अकबर ने 1564 में खत्म कर दिया था, और इसका उत्तर है जजिया। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच सिटी वॉज मेड द मुगल कैपिटल इन 1585। 1585 ईस्वी में किस शहर को मुगल राजधानी बनाया गया? और जो उत्तर है वो 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं कि 1585 में अकबर का शासन हुआ करता था, और जिस शहर को उसने अपना राजधानी बनाया था 1585 में, वो शहर आजकल पाकिस्तान में है। अब तक आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, नहीं तो ये देखिए उत्तर। सही उत्तर है लाहौर। 1585 में फतेहपुर सिकरी से अपनी राजधानी बदलकर अकबर लाहौर ले गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल टू दिल्ली इन 1648, यानी कि किस मुगल बादशाह ने 1648 ईस्वी में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, और उस बादशाह का नाम 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है? तो ये देखिए उत्तर। सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, जिसको आजकल हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, और उस समय उसका नाम हुआ करता था शाहजहानाबाद। और आज का अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच वॉज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन इन द मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में
आत्मनिवेदन करने का सर्वोच्च रूप कौन सा था? और इसका सही उत्तर है सिजदा। यानी कि मुगल दरबार में बादशाह के सामने अपना सम्मान प्रकट करने का जो सर्वोच्च फॉर्म था, जो सर्वोच्च तरीका था, उसको सिजदा कहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं, आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ढंग से सीख लिए होंगे। अब इसी तरह का अगला वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो उनमें आपको नए प्रश्न सीखने को मिलेंगे। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन भी दबाते चलिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।